वेलकम अगेन यंग लर्नर्स टू दिस पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, जिसके अंदर हम आज एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे। एक बार क्विक रिकॉल ले लेते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से करते हैं। इन द एक्सपेंडिचर मेथड वी फर्स्ट कैलकुलेट द GDP MP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। बेसिकली क्वेश्चन में आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन होता है, नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन होता है। यदि नेट एक्सपोर्ट्स गिवन नहीं है तो इट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, विच इज कॉमनली रिटन एज एक्स माइनस एम। बेसिकली हम GDP MP के फॉर्मूला को सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लिखते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन नहीं है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स भी गिवन नहीं है, बल्कि आपको जो वैल्यू गिवन है दैट इज द नेट इम्पोर्ट्स, इन दैट केस द नेट इम्पोर्ट्स विल बी डिडक्टेड। तो यदि नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है तो ये प्लस होते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स भी प्लस होते हैं, जबकि नेट इम्पोर्ट्स आपके डिडक्ट होते हैं। क्वेश्चन में बाकी सब चीज़ें आपको गिवन बेसिकली होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉम्पोनेंट कॉम्प्लिकेटेड आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम जनरली GDCF भी एब्रीवेट करते हैं, इज नॉट गिवन टू यू। सो इन दैट केस द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है यदि फिक्स्ड आपको गिवन है, इन दैट केस द चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड, तो हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चंस में आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन नहीं होगा। इन दैट केस द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज द सम टोटल ऑफ रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड प्लस द इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड असेट्स बाय प्रोड्यूसर्स प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑन पब्लिक वर्क्स। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, वेल एंड गुड। नहीं गिवन है, बाय एडिंग अप ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स विल बी गेटिंग द फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देन द चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड इनटू इट। फिर हम इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे एंड देन विल बी गेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज GDCF। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So, the first question we will be taking, that is calculate NDP MP, and this question is from CBSC All India 2015 ka ye question hai. So, the components are given to you and we need to calculate the NDP MP. Sabse pehle, according to expenditure method, hum log calculate karte hain GDP MP, which is equal to private final consumption expenditure. क्वेश्चन में यदि आपको प्राइवेट फाइनल दिया है तो आप प्राइवेट फाइनल लेंगे, पर्सनल फाइनल दिया है तो पर्सनल लेंगे। यहाँ हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस देन वी बेसिकली हैव द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे क्वेश्चन में हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। जब भी आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो तो यहाँ तो आप लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, द GDCF विल बी कैलकुलेटेड एज वर्किंग नोट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्लस। Now, just see what we are given with, either it is net exports, net imports, or exports and imports. We are given with the value of exports and imports. So, we will be writing exports minus imports. Ye value hume likhni hai. The private final consumption expenditure is given, that is 400 plus GDCF hume given nahi hai. The working note for GDCF, we are given with gross domestic fixed capital formation GDFCF. ध्यान रखिएगा कि जब आपको fixed capital formation given है, in that case हम add करते हैं change in stock. The change in stock is equal to closing stock minus opening stock. तो GDFCF is given to you 80. The closing stock is 20 and the opening stock is 10. So 20 minus 10 is the change in stock, which results into 90 crore. Now we will be putting this 90 in the value of GDCF. So this is 90 plus
the government final consumption expenditure is given to you 90 plus the value of exports is given to you 10 while the imports are given to you 15. When you will be solving this, you'll be getting 575 crore rupees as the value of GDP MP. But we need to calculate the NDP MP. Lekin hame calculate karna hai NDP MP. The GDP MP have been calculated by us. We know gross sale net ka calculation karne ke liye hum depreciation ko minus karte hain. Minus depreciation. Baki component aapke paas hai, domestic product aapke paas hai, market price aapke paas hai. Main aapko pehle bhi bata chuki hoon. This has been cut by me only for your convenience. Otherwise, you people will not be attempting it in your examination. So, the GDP MP is given, has been calculated as 575. The depreciation, which is consumption of fixed capital, is 25. So, the value arises here from 550 crore rupees. So, this is the value of NDP MP. Aap iska ek screenshot le sakte hain. So, now we have brought this question, that is calculate GNP FC. But before I start with this question, I need to tell you one smaller tip. That is, at times in the question you are given with that calculate this aggregate, supposingly we take here GNP FC. And there are two methods given to you. Supposingly we are given with income method and expenditure method. हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, यानी कि जो भी एग्रीगेट आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं जीएनपी एफसी का. द एग्रीगेट दैट हैड बीन आस्क्ड टू यू कैलकुलेट विल रिजल्ट इनटू द सेम आंसर बाय बोथ द मेथड्स. जो भी मेथड्स आपको कहा गया है या दो मेथड्स आपको कहे गए हैं, उन दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा. फिलहाल ये क्वेश्चन लेते हैं. अगेन मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा एफर्ट ये है कि मैं आपके लिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को पिक करूं सो दैट यू कैन इजीली डू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. सो इन दिस क्वेश्चन वी नो द जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन टू अस. द जीडीसीएफ इज बेसिक, बेसिकली वी राइट डाउन इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट जीडीसीएफ, government final consumption expenditure and exports minus imports. Here in the question we are given with the net exports. So instead of writing down exports minus imports, we will be writing plus net exports. Now the GDP MP, the private final consumption expenditure, is given, that is 2600 plus GDCF is not given. Instead of that we are given with the NDCF. तो वर्किंग नोट में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जी डी सी एफ. हमें गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या एब्रीवेट कर सकते हैं, एन डी सी एफ. एन डी सी एफ हम जानते हैं, नेट हमें गिवन है, ग्रॉस हमें कैलकुलेट करना है. नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए, नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं. सो इट इज़ नॉट ओनली फॉर दैट एग्रीगेट्स, इन एग्रीगेट्स के लिए ही नहीं बल्कि इस तरीके के लिए भी एप्लीकेबल है. वाइल कैलकुलेटिंग द जीडीसीएफ आउट ऑफ एनडीसीएफ, वी विल बी एडिंग द डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. दिस इज 500 गिवन टू यू. Depreciation, that is fixed capital ka consumption aapko given hai 600 only 100. So the value arises here is 600 crore. So we will be putting the value here, GDCF ki value hum put kar denge jo humne as working note calculate ki hai. The government final consumption expenditure is given 1100 plus the value of net exports is given 100. Now after calculating this, yahan se ise calculate karte hain, hamare paas aata hai 4200 crore रुपीज. अब हमें कैलकुलेट करना है जी एन पी एफ सी. जी एन पी एफ सी वी नाउ हैव विद द एग्रीगेट ऑफ जी डी पी एम पी. ग्रॉस आपके पास ऑलरेडी है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम एन एफ आई ए को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए
हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट. सो द जीडीपी एमपी हैज बीन कैलकुलेटेड एज 4200. द वैल्यू ऑफ एनएफआई ए इज गिवन -50 एंड द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर गिवन 250. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल बी हैविंग 3900 करोड़ रुपीज एज द वैल्यू ऑफ जीएनपी एफसी. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now the next question that I picked for you is from CBSE Delhi 2015 and is a different kind of question, totally different question. Here we will be learning three difficulties. यहाँ पर हम तीन चीज़ों को अलग अलग देखेंगे. These are, let us start with the question. You are given with, you have to calculate the national income. We know, first we will be calculating the value of GDP MP. सबसे पहले हम calculate करेंगे GDP MP, which is equal to private final consumption expenditure plus GDCF plus government final consumption expenditure. And if you see in the question, जब आप question में देखते हैं आपको net imports given है, यानी कि जो first चीज़ हमें अब यहाँ से देखनी है कि जब हमें net imports given है, we will be deducting the value of net इम्पोर्ट्स. हमें नेट इम्पोर्ट्स की वैल्यू को डिडक्ट करना है. तो यर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन टू यू 600 प्लस GDCF. हमें क्वेश्चन में GDCF गिवन नहीं है. नाउ दिस इज द सेकेंड डिफिकल्टी दैट इज गिवन टू अस. क्वेश्चन में हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है. हमें प्रीवियस क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था. यहाँ हमें नेट भी गिवन है, नेट के साथ फिक्स्ड भी गिवन है. इन दैट केस वर्किंग नोट में हमें कैलकुलेट करना है GDCF. हम जानते हैं कि GDCF इज इक्वल टू, यदि हमें नेट दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. जब भी हमें फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स्ड में सबसे पहले हमें क्या ऐड करना होगा, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा, सो एज टू गेट द टोटल कैपिटल फॉर्मेशन. और एक चीज़, जब आपके पास नेट की वैल्यू है तो आपको क्या देखना होगा, नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए जैसे ही हम NDFCF से में चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. हमें मिलेगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो NDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक और नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे. तो यहाँ से जो हमने सीखा वो ये कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यदि गिवन है तो फिक्स्ड के साथ हमें हमेशा चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है. जैसे ही हमने चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया, वी विल बी गेटिंग, यानी कि जो ये वैल्यू हमारे पास आएगी NDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक विल रिजल्ट इन टू NDCF. ये हमारे पास आएगा NDCF. और हम जानते हैं नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं. तो NDFCF इज गिवन टू यू, दैट इज 70. द चेंज इन स्टॉक इज गिवन टू यू -10 and the depreciation is given to you 14. तो ये आपके पास आ जाता है 74 crore. Now this value will be put here 74 plus government final consumption expenditure is 100 and the value of net imports is given to you 20. 600 is the private final consumption expenditure. GDC आपने यहाँ से calculate कर ही लिया है. Government final consumption expenditure is 100 and the value of net imports will be deducted. This will result into 754 crore rupees. Now we need to calculate the national income. I told you earlier also that the aggregate that represents the national income is NNPFC. We have already calculated with GDP MP. ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से
नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। पर यहाँ आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि क्वेश्चन में आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय हम द नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं, जबकि नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते समय नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को ऐड करते हैं। दैट मीन्स इट गेट्स ऑपोजिट। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते समय नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हालांकि ये लिखा NFIA ही जाएगा, को माइनस कर देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस कर देते हैं। नाउ वील बी पुटिंग द वैल्यूज। DPMP वॉज रिजल्टिंग इनटू 754 माइनस द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, दैट इज 14, माइनस NFTA इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 60। सो दिस विल रिजल्ट इनटू 670 करोड़ रुपीस। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, दैट वाज हैविंग थ्री काइंड्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट NDPFC। यू आर गिवन विद द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हियर, द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द GDPMP वी नो इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस नेट इम्पोर्ट। द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन 800 प्लस GDCF, अगेन द GDCF इज नॉट गिवन, वी आर गिवन विद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो GDCF, द NDCF इज गिवन टू यू, नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 100 प्लस द डेप्रिसिएशन इज 50, इट रिजल्ट्स इनटू 150 करोड़। सो वील बी राइटिंग द वैल्यू हियर, दैट इज 150 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन टू यू, दैट इज 200 माइनस नेट इम्पोर्ट्स। आप देखेंगे आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन हैं, नेट इम्पोर्ट्स आर गिवन टू यू एंड दी एक्सपोर्ट्स आर गिवन टू यू। जब आपको नेट इम्पोर्ट्स या नेट एक्सपोर्ट्स गिवन हैं तो हम अलग से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट की वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो द नेट इम्पोर्ट्स आर गिवन टू यू माइनस 20, तो माइनस तो हो गई क्योंकि नेट इम्पोर्ट्स गिवन है, लेकिन क्योंकि हमें वैल्यू माइनस 20 गिवन है तो हम वैल्यू को माइनस 20 पुट करेंगे। जब आप ये सॉल्व करते हैं आपके पास आता है 1170 करोड़ रुपीस। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दी NDPFC, हमें कैलकुलेट करना है NDPFC। वी आर हैविंग द एग्रीगेट, दैट इज GDPMP, ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो GDPMP इज 1170, the depreciation is 50 and the net indirect taxes are 120. This is 170. 1000 crores will be the value of NDPFC. 1000 crore value aa jati hai kiski, NDPFC ki. Aap iska ek screenshot le sakte hain. The next question is calculate the GNPMP. आपको calculate करना है GNPMP. The question is from CBSE All India 2016. The GDPMP is private final consumption expenditure which is 800 plus GDCF. आपको given है net domestic capital formation. तो हम सबसे पहले यहाँ calculate करेंगे the gross domestic capital formation. Net domestic capital formation is NDCF. नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन को। द NDCF इज 200, द डेप्रिसिएशन इज 100, सो द आंसर इज 300 करोड़। सो वील बी पुटिंग दिस 300 हियर। द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गिवन 300
एंड द वैल्यू ऑफ नेट इम्पोर्ट्स. यहाँ हमें नेट इम्पोर्ट्स गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स होता तो प्लस होता, नेट इम्पोर्ट्स आपको गिवन है 30, सो इट इज 30. सो व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस, दिस इज 1370 करोड़ रुपीज. नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द GNPMP. हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है GNPMP. द एग्रीगेट दैट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इज GDPMP. ग्रॉस आपके पास ऑलरेडी है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं. लेकिन हमें यहाँ गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आपको 15 मिनट्स क्वेश्चंस पेपर को रीड आउट करने के लिए मिलते हैं तो उसी समय आपको माइंड में ये सेट कर लेना है कि आपको टू अब्रॉड गिवन है या फ्रॉम अब्रॉड गिवन है. यदि टू अब्रॉड गिवन है तो ऐसे केसेस में द ट्रीटमेंट विल बी जस्ट ऑपोजिट. दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1370, द वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन -10. सो -10, तो दिस रिजल्ट्स इनटू रुपीज 1380 करोड़. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि एट टाइम्स आपको क्वेश्चन में एग्रीगेट ना पूछकर कोई कॉम्पोनेंट पूछा जा सकता है. दिस क्वेश्चन इज ऑफ सिमिलर टाइप वेयर बाय यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इस केस में आपको कोई एक एग्रीगेट गिवन होगा. जैसे यहाँ आपको नेशनल इनकम गिवन है. वी नो दैट द नेशनल इनकम इज NNPFC. तो यहाँ से सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे GDPMP की वैल्यू. सो द GDPMP आउट ऑफ द एग्रीगेट NNPFC नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं. नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए NFIA को माइनस करते हैं. और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम NIT को प्लस करते हैं. द NNPFC इज गिवन टू अस 50,000. द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज 700. द NFIA इज 500. And the net indirect taxes are given to us 1,000. यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 51,200 करोड़ लाख रुपीस. अब क्योंकि हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा है तो उसका मतलब है कि हमें यूज करना है एक्सपेंडिचर मेथड. सो विल बी राइटिंग हियर अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड the GDPMP is given to you private final consumption expenditure plus GDCF plus government final consumption expenditure. और हम देख लेंगे कि हमें net exports given है या net imports. So we are given with the value of net exports. So this is net exports that will be added. So the private final consumption is expenditure is not given to us, rather ye value hume calculate karni hai. Supposingly hum ise x maan lete hain. GDPMP is given to that has been calculated by us, that is 51,200. The GDCF gross domestic fixed capital formation is given to us 17,000. The government final consumption expenditure is 12,500. And the value of net exports is 2000. यहाँ से आप value calculate कीजिए x की, जिसे हम क्या भी मान रहे हैं, private final consumption expenditure. The value results into 19,700 lakh rupees. So this is the value of private final consumption expenditure. ये value आपके पास आ गई किसकी, private final consumption
एक्सपेंडिचर की। तो क्वेश्चन में कई बार आपसे वैल्यू ना पूछकर किसी कोई एग्रीगेट ना पूछकर कोई कंपोनेंट भी पूछ सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो इफ यू सी we are given with one of the aggregate that is GDP MP. As I told you earlier also कि basically इस तरीके के question में आपको कोई एक aggregate given होता है. According to expenditure method, the GDP MP is equal to private final consumption expenditure, हमें private final consumption expenditure given है, plus GDCF plus गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और हम देखेंगे कि हमें नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है या नेट इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है तो प्लस, नेट इंपोर्ट्स गिवन है तो माइनस। सो वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, सो वी विल बी एडिंग द नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को हम प्लस कर देंगे। सो द जीडीपी एमपी इज गिवन टू अस दैट इज 2500, द प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1000, the GDCF is not given, plus the government final consumption expenditure is 500, and the net exports are given to us minus 50. Kahan se hum calculate karenge GDCF ki value? The GDCF will result into 1050 crore rupees. लेकिन आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें GDCF नहीं पूछा है, हमें पूछा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दोनों सेम है। सो द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सो वील बी राइटिंग इट फुल, द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें अब कैलकुलेट करना है। बेसिकली हम जानते हैं, वी नो दैट GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो इट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड में हम हमेशा चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, सो वी विल ऐड अप द चेंज इन स्टॉक हियर। सो जी डी सी एफ हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज 1050। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जी एफ सी एफ हमें कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड हमें कैलकुलेट करना है, एंड द चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो दैट इज 200 माइनस 300। यहाँ से हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल रिजल्ट टू अस 1150 crore rupees। सो यहाँ हमें ध्यान रखना है दो चीज़ों का, कि सबसे पहले हमें GDCF को कैलकुलेट करना है और हमें पूछा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम इस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now the next question is where we need to calculate the government final consumption expenditure. यहाँ हमें calculate करना है government का final consumption expenditure. So again, first we have to search for the aggregate that would have been given to us in the question, that is national income. National income is NNPFC. We know in order to calculate the GDP MP, as GDP MP is the basic aggregate for expenditure method, we first have to calculate the value of GDP MP. The GDP MP is equal to, when NNPFC is given, net SEGROS, net SEGROS plus depreciation, national product say domestic product is minus NFIA, and फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस इज अ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में हम NIT को प्लस कर देते हैं। आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी CBSE 2019 का क्वेश्चन है। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, NNPFC इज 71,000, द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन 3,000,
The net factor income from abroad is given 1000 and the NIT, net indirect taxes, are given 2000. So this is, this results into 75,000 crore rupees. अब हमें कैलकुलेट करना है गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग द जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस द GDCF प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्लस हम देखेंगे कि हमें नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है या नेट इंपोर्ट्स. वी आर गिवन विद द नेट एक्सपोर्ट्स एंड हेंस द नेट एक्सपोर्ट्स विल बी एडेड. द GDP MP वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड दैट इज 75,000. The private final consumption expenditure is given to us 40,000. The GDCF, government, the gross domestic capital formation, GDCF, is given to us 10,000. Government final consumption expenditure आपसे पूछा है, हम उसे X लिख लेंगे. And the value of net exports is given 5,000. आप इसे calculate कीजिए. X की value आपके पास आएगी rupees 20,000 crore. So this will be the value of government final consumption expenditure. तो students, हमने तीनों तरीके के question कर लिए हैं, जहाँ पर आपको GDCF कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, जहां पर आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जहां पर आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. और हमने क्वेश्चन किए हैं कि यदि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो हम GDCF को कैसे कैलकुलेट करते, दैट इज बाय एडिंग द चेंज इन स्टॉक. नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो सबसे पहले हम NDCF को कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द GDCF बाय एडिंग द डेप्रिसिएशन इनटू NDCF. सो वी हैव डन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हियर. थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.